बात करेंगे उड़ीसा की, जहां नवीकरण होने के बाद पुरी स्वागद्वार महाशमशान का आज लोकार्पण हुआ है। बहुत ही दिनों के बाद नवीकरण का काम चलने के बाद आज पुरी के स्वर्गद्वार महाशमशान का आज लोकार्पण कर दिया गया। स्वर्गद्वार तथा उसके संलग्न क्षेत्र के नवीकरण में लगभग 6,30,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। इसकी भूमि के काम में प्रीकॉस्ट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार करने के लिए 28 पिंडियां बनी है। एक साथ 28 पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार हो सकता है। पार्थिव शरीर दाह करते समय परिवेश को जैसे हानि ना पहुंचे, इस पर भी ध्यान दिया गया है। तेलंगाना महाप्रस्थानम शमशान को देखकर स्वर्गद्वार महाशमशान का निर्माण किया गया है। आज के इस लोकार्पण उत्सव में पुरी के अतिरिक्त जिलापाल विनय कुमार दास, उप जिलापाल भवतारण साहू, जिलापाल समर्थ वर्मा उपस्थित रहे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रीडेवलपमेंट अनाउंसमेंट करते ताकु फंक्शनल करू छु आपण जेंती देखु छेंती एटी ये जो मेन फंक्शनल ब्लॉक अछि स्वर्ग द्वार रा एटा गुटे स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न क्रेमेटोरियम हिसाब रे डेवलप कराई छि। बट एट द सेम टाइम सब प्रकार ट्रेडिशंस जो रहू छि हमारा स्वर्ग द्वार सब ट्रेडिशंस को भी रिटेन कराई छि। हमें समस्त को कंसल्ट करके सब स्टेक होल्डर्स मानक ओपिनियन नहीं करके एटा करी छु। एटी बेसिकली 28 क्रिमेशन सेंटर रहू छि जो थरे कि आराम से लोक माने तंकरा नियर एंड डियर वंस जे भी माने पास अवे हे छेंती तंकरा क्रिमेशन करी परिबे। आज टू हमें एटी सिंगल विंडो भी स्टार्ट करी छु जो थरे कि लोक माने आसी करके सिंगल विंडो रे पेमेंट करिबे और तापर अलग अलग काउंटर रु तंकरा जिनस नै करके सुविधा भाव रे क्रिमेशन करि परिबे। आमर हरिश्चंद्र सहायता योजना रे जो माने भी गरीब लोक रहउछन्ती जो माने भी असहाय लोक रहउछन्ती तांकर क्रिमेशन फ्री रे कराउछी। आमे स्वर्ग द्वार पई प्रत्येक डेड बॉडी डिस्पोजल पई 3000 रुपीस पाइछु। सेतरे आमे आराम से अलग अलग ट्रेडिशंस अलग अलग काठ पई टंका धूप पई टंका पूजा पई टंका दाहक सामग्री पई टंका ये सब जिनस आमे करि पई। आमर साइट गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक चली और फ्यूचर में जी दरकार पड़ो अधिक पिंडी भी करें। नहीं डेफिनेटली तार प्लान भी चली अतिशीघ्र में ताऊपर भी अच्छा। R9 भारत के लिए विभुदत्त राय, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा। बात करेंगे जगन्नाथपुरी की, जहां ओडिशा के निराली परंपरा मिट्टी के छोटा सा घड़ा और पुतला पूजा। पूर्व भारत के एक राज्य ओडिशा जहां 12 महीने में 13 पर्व मनाए जाते हैं। कुछ पर्व देवी देवताओं पर आधारित हैं और कुछ लोकाचार पर आधारित हैं। बैसाखी महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया को ओडिशा में अक्षय तृतीया के नाम से मनाते हैं। इस दिन श्री क्षेत्र पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के 21 दिन तथा बाहर चंदन यात्रा शुरू होने के साथ साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण का काम भी शुरू होता है। देवी देवताओं पर आधारित यह पर्व है। अब बात करते हैं लोकाचार में मनाए जाने वाले पर्व की। अक्षय तृतीया को किसान अपने हल का पूजन करता है और क्षेत्र के चावल के बीज बोता है। मान्यता है कि आज के दिन क्षेत्र में बीज बोने से फसल अच्छी होती है। माताएं अपने बच्चों के लिए माँ षष्ठी देवी की पूजा करती हैं। देवी माँ को मिट्टी के छोटी से घड़ी में भोग दे दिया जाता है। देवी माँ को भोग लगने के बाद उस छोटी छोटी मिट्टी के घड़े और पुतले के छोटे छोटे बच्चों में बांट दिया जाता है। इसे लेकर बच्चे बहुत आनंदित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह पूजा करने से मम षष्ठी देवी प्रसन्न होकर उनके बच्चों को हर विपत्ति से रक्षा करती हैं। R9 भारत के लिए विभुदत्त राय, जगन्नाथपुरी, उड़ीसा।